जब भी हम फ्लैगशिप फोन बाय करने की सोचते हैं, उनकी प्राइस हर साल बढ़ जाती है। फोन की प्राइस इतनी हाई हो गई है कि मैक्सिमम कंज्यूमर ये सोच कर रह जाते हैं कि काश हम ये फोन बाय कर पाते। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फ्लैगशिप फोन आसानी से बाय कर सकते हैं, वो भी कम प्राइस पर। और मैं सिर्फ फ्लैगशिप किलर की बात नहीं करने वाली, वो बस अब नाम के फ्लैगशिप किलर रह गए। मेरे पास ये पिक्सल 7 है और ये फ्लैगशिप की कैटेगरी में आता है। ये लॉन्च 60,000 पर हुआ था, लेकिन ये आजकल ऑफर्स में 44,000 के आसपास पड़ रहा है, लेकिन ये इससे भी कम में खरीदा जा सकता है। पिक्सल 7 एक 44,000 की प्राइस पर लॉन्च हुआ है एंड ऑफर्स लगा के 40,000 का मिल रहा है। अब मुझे तो क्लियर है कि इस प्राइस पर मुझे कौन सा फोन बाय करना है, बट कुछ लोग जिन्हें आइडिया नहीं है ऑफर्स का, वो पिक्सल 7 ने बाय कर भी रहे हैं इस प्राइस पर। इसका एक और एग्जांपल है, S23 के लॉन्च के बाद कुछ लोगों ने S22 बाय किया 50,000 की प्राइस पर। और सच बताऊं, मैंने S23 लॉन्च के टाइम पर 55,000 में खरीदा था, जो कि S22 से बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैंने इस ऑफर्स की जानकारी अपने सब्सक्राइबर्स को भी दी थी। वैसे मैं अपने चैनल की कम्युनिटी पर बेस्ट ऑफर्स के बारे में अपडेट करती रहती हूँ, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेस्ट ऑफर्स के बारे में जान सकते हो। जैसे ही मैं कम्युनिटी पर कोई भी ऑफर अपडेट करूंगी, तो आपको भी उस ऑफर के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ आपकी मेहनत मैं कर लूंगी बेस्ट ऑफर्स के बारे में आपको बताने की, चाहे आईफोन पर डील हो, सैमसंग पर, गूगल पर या फिर वन प्लस पर। इस पॉइंट को माइंड में रखना, मैं जो पॉइंट्स यहाँ बताने वाली हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। पहला, कौन सा फोन यूज करते हैं एंड कौन सा लेना चाहते हैं, कितने साल यूज करना है, क्या लॉन्च टेबल ले लेते हैं या एक साल बाद लेते हैं। जैसे कि मैंने ये फोन बाय किया था 44,000 पर, तो मुझे भी सोचना है कि मुझे ये फोन कितने टाइम तक यूज करना है। क्या मैं इसे सच में 3 साल यूज करूंगी या 1 साल बाद यूज करके ही बेच दूंगी। बट मेरे सोचने से ज्यादा मैटर ये करता है कि क्या कंपनी इस फोन को 3 साल का सपोर्ट देगी। दूसरा पॉइंट आता है कि लॉन्च पर बाय किया या लॉन्च के 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद। कुछ फोन तो सिर्फ 2 साल के सपोर्ट के साथ आते हैं, तो उनके लेने का तो कोई पॉइंट ही नहीं। जो लोग फ्लैगशिप किलर फोन बाय करते हैं 40,000 की प्राइस पर आज की डेट में, वो आसानी से फ्लैगशिप फोन चला सकते हैं इस प्राइस रेंज पर। मैं ये स्ट्रेटेजी हमेशा अप्लाई करती हूँ अगर मुझे कोई फ्लैगशिप अपने फ्रेंड को बताना हो तो, और आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ध्यान से नोटिस करें तो 30,000 से 40,000 के फोन 2 या 3 साल के OS अपडेट सपोर्ट के साथ लॉन्च होते हैं। अगर उनको लॉन्च पर बाय कर भी लें, तो हर साल का वैल्यू यूज 10,000 से 15,000 के बीच का आता है। 2-3 साल में कितनी बार ऐसा होता है कि हर बार सोचना पड़ता है कि थोड़े पैसे और लगाकर कोई अच्छा फोन ही ले लेते। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने कौन सा फोन बाय किया था और आपको ऐसा क्यों लगा। आज की डेट में सैमसंग 4 OS अपडेट सपोर्ट देता है और OnePlus भी OnePlus 11 को 4 साल के OS अपडेट देगा, तो यहाँ लॉन्च प्राइस पर वो वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि प्राइस बहुत हाई होता है। अब बात आती है 1 साल बाद की, और यहाँ सारा गेम चेंज हो जाता है। जिस फोन को 4 साल के OS अपडेट मिलने वाला है, तो 1 साल बाद भी 3 साल के OS अपडेट तो मिलेंगे ही। और एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, गूगल सभी फोन की प्राइस बहुत कट हो जाती है 1 साल में ही। जैसे कि दिवाली सेल में S22 प्लस 45,000 तक का मिला, जबकि उसकी लॉन्च प्राइस 85,000 थी। आईफोन 13 47,000 तक का मिला, जबकि वो लॉन्च हुआ था 80,000 की प्राइस पर। S22 अल्ट्रा 70,000 तक का मिला, जबकि उसकी लॉन्च प्राइस थी 1,10,000 रुपए। यहाँ अगर S22 अल्ट्रा एंड आईफोन 13 प्रो को छोड़ दें, तो सारे फोन लगभग 50,000 की रेंज में मिले, जिनकी लॉन्च प्राइस 80,000 के आसपास थी। और ये फोन्स को इस प्राइस पर भी 3 साल के अपडेट्स मिलने हैं, और एप्पल तो 3 से भी ज्यादा दे सकता है। अब सेम प्राइस पर वैल्यू ज्यादा मिलेगी क्योंकि एक फ्लैगशिप फोन मिला। यहाँ सारे फीचर्स जैसे बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले सब एक फ्लैगशिप किलर से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और अगर ये प्राइस बजट से 5 से 10,000 ज्यादा है, तो इसे फिनांस करके भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलो आईफोन 14 50,000 का मिल रहा है और मेरे पास 40,000 रुपए है, तो मैं 40,000 का पेमेंट करूँ एंड 10,000 का फिनांस करा लो, अगर करवा सकते हैं और मन है तो, क्योंकि काफी लोग फिनांस के डर से भी दूर भागते हैं। इस स्ट्रेटेजी से सब तो फ्लैगशिप बाय नहीं कर सकते, लेकिन अप्लाई हर सेगमेंट पर होती है। जो लोग 30,000 का फोन बाय करते हैं, अगर वो 1 साल वेट कर लें, तो 45 से 50,000 वाला भी 30,000 में ले सकते हैं। बट यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि वेट करेगा कौन, वेट ही तो नहीं होता।
बट ये वीडियो बनाया ही इसलिए है कि मैं आपके माइंड में ये बात डाल सकूं कि वेट करना चाहिए। लॉन्च पर ले लेने से कोई नया अचीवमेंट तो नहीं मिल जाता। फोन तो हर साल कितने लॉन्च होते हैं, अब सब तो बाय नहीं कर सकते। एक ऐसा फोन बाय करो जिससे सेटिस्फेक्शन अच्छा रहे, और इसके लिए एक साल वेट करना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कितने साल यूज करना है और किस प्राइस वाला फोन अफोर्ड कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास पैसे की मात्रा ज्यादा है वो तो हर साल नया फोन लेते ही हैं, उनकी तो खैर बात ही अलग है। वैसे ऐसे लोगों से अगर एक साल यूज किया हुआ फोन लें तो वो सस्ता भी पड़ सकता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।